दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। और दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है कि सकल कृषि क्षेत्र क्या है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम दोनों प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी यानी मैदा पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मैदा यानी दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि सकल कृषि क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों सकल कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से कि एक कृषि वर्ष में दोस्तों एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब करना।